हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी की ऑनलाइन पोर्टल पे। सेमेस्टर सेकेंड मॉड्यूल 7 ट्रांसफार्मर, यानी आज से हम लोग मशीन के क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मशीन एक बहुत ज़्यादा पोर्शन है आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिशियन में, और 10 में से 8 बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि मशीन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है और उसे क्वेश्चन नहीं लगा पाते। जो रटने वाला क्वेश्चन है वो तो ठीक है, याद रट्टा मार लेते हैं, मगर जब कॉन्सेप्ट पे आता है तो फंसना स्टार्ट हो जाते हैं, या उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है तो बोलते हैं सर ये तो हार्ड था, मगर रहता है उसका आंसर वही रहता है जो सीधे पूछता तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन को देख लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, यानी उच्च फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उच्च फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में केवल दो ही कोर वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया, एक्चुअली वो कोर की बात कर रहा है, यानी जब हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें क्रोड के रूप में क्या प्रयोग करोगे। जैसे नॉर्मल हम सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी वाले में उसको प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एडी करंट के समानुपाती होती है, और वो भी स्क्वायर में, वर्ग में। तो फ्रिक्वेंसी जब बढ़ता है तो एडी करंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और स्ट्रेसेस लॉस भी बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, मोटर की कोर जल्दी हीट होने लगती है। सही है, इसलिए हम ऐसे कोर का उपयोग करते हैं जिसमें एडी करंट लॉस या स्ट्रेसेस लॉस फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे भी नाम मात्र का बढ़े या कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक एयर कोर का जब आप कोई चीज़ हिस्टेरेसिस कर्व बनाते हैं तो वो सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें सर कोई भी हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे एयर कोर दिया होता है तो सबसे बेस्ट होता है हमारा एयर कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यानी कोर के रूप में हवा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हवा धारा के लिए इंसुलेटर होता है, फ्लक्स के लिए नहीं। तो एयर कोर का प्रयोग करते हैं। अगर एयर कोर नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे? तब सर प्रयोग करेंगे हम फेराइट कोर का। किसका? फेराइट कोर का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। चलो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 दिया है और माध्यमिक वोल्टेज यानी सेकेंडरी E2 V2 के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसका देखो सही आंसर क्या होगा, इसको याद रखना। अगर ये ऐसा बनता है ना बाबू, तो ध्यान से देखना, इसको बना देते हैं। अगर यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहीं पे हमारा होता है सर E2 होता है, यहीं पे हमारा E2 भी होगा। ठीक है, E2, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, V2 होता है। तो याद रखना क्या होता है हमारा, V1 V2 क्या होता है, देखो साफ साफ दिया, E1 V1 के बराबर होता है, E1 V1 के बराबर होता है, या E2 V2 के बराबर होता है, E1 V1 के बराबर होता है, या E2 V2 के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो पहले तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है, मगर इस क्वेश्चन में हम तुमको एक चीज़ बता देते हैं। ठीक है, कि जो हमारा E1 और E2 होता है वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में देख लो, E1 E2 एक ही लाइन पे हैं, तो सेम फेज में होते हैं, इसके बीच का कालांतर कितना होता है, शून्य होता है। और यही V1 V2 की बात करें तो इसके बीच में जो कालांतर होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। मगर क्वेश्चन क्या पूछा था कि E1 V1 की वैल्यू और के बीच का संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 219 क्वेश्चन है, तो जो बताएं कि E1 और E2 सेम कला में होते हैं और V1 V2 विपरीत कला में होते हैं, लगभग 180 डिग्री के उलट। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है। बहुत बार पूछता है कंजर्वेटर होता क्या है, तो सर कंजर्वेटर हमारा होता है मेन टैंक के ऊपर। ठीक है,
देखे होगे ऊपर एक सिलेंडर नुमा आकार बना होता है ट्रांसफार्मर में, उसी को कंजर्वेटर कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें तेल भरा होता है। ठीक है, तेल क्या पूरी तरीके से भरा होता है? नहीं सर, उसमें थोड़ी सी जगह खाली रहती है। ठीक है, वो जगह क्यों खाली रहती है उसको याद रखना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसका विस्तार होता है, उसका फैलाव होता है। ठीक है, तो मान लो जो मेन टैंक में ऑयल भरी गई थी, जिसमें वाइंडिंग वाइंडिंग की गई, तो मेन टैंक में अगर ऑयल गर्म होती है तो उसका फैलाव होगा, तो फैलाव होगा तो वो लीक करने लगता है या लीक कर सकता है। तो इसलिए कंजर्वेटर में थोड़ा गैप छोड़ते हैं कि अगर वो एक्सपेंशन उसका फैलाव हो तो वो लीक न करके कहाँ चला जाए, कंजर्वेटर में चला जाए। और कभी कभी जब तेल की कमी होने लगती है, लेवल गिरने लगता है, तो उसी कंजर्वेटर से जो तेल भरा गया था, जो थोड़ी जगह खाली छोड़ गई थी, तो जो तेल भरा गया था उसी का हम उपयोग करके कहाँ भर लेते हैं, वापस मेन टैंक में भर लेते हैं। तो एक तरीके से कहें तो तेल की निरंतरता बनाए रखने के लिए और गर्मी में तेल का विस्तार को रोकने के लिए हम कंजर्वेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि मेन टैंक के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, मगर जो इंडक्शन मोटर में जाओगे तो इसको ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट भी कहते हैं। पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ बता देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। ठीक है, और वो भी कौन सी वाइंडिंग होती है? जो एलवी साइड की वाइंडिंग होती है। ठीक है, एलवी साइड वाली जो वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट करते हैं, और जितने भी उपकरण लगते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, सभी कहाँ लगते हैं? एचवी साइड में लगते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता क्यों है? तो सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा होता है कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए, जो कि लोड बदलने से बदल सकता है। तो ताम्र क्षति का हानि का ज्ञात करने के लिए हम पता करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। चलो अगला देखते हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इतना है और फुल लोड वोल्टेज इतना है। तो कैसे निकलेगा? इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, यही फार्मूला होता है। तो देखते हैं क्या दिया है। नो लोड वोल्टेज हमारा 240 है, फुल लोड वोल्टेज हमारा 200 वोल्टेज है, बटे 220 गुणे 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? तब हमारा ऊपर 20 बचेगा, नीचे 220 है, तो इसको लिख सकते हैं तब सर 20 गुणे 100 बटे 220 कर सकते हैं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। एक ठो इससे उड़ा देते हैं, इससे उड़ा देते हैं, हमारा हो जाएगा 11। अच्छा, तो 11 × 99 हो जाएगा, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 9.09% यहाँ का सही आंसर हो जाएगा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो रहा है? लगभग 10% हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेशन कोर इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखो, लेमिनेशन हम लोग मेन कारण यही करते हैं। पहले देख लो लेमिनेशन किसका होता है, तो सर सिलिकॉन स्टील का करते हैं। होता कितना है सर? 0.35 से लेके 0.5 mm तक उस पत्ती की मोटाई होती है। याद रखना, क्वेश्चन ये पूछता है कि लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो सर एडी करंट कम करने के लिए। मगर कभी कभी ये पूछता है कि सिलिकॉन स्टील का ही लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो सर सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन करते हैं स्ट्रेसेस लॉस कम करने के लिए। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका पूछा गया है कि टुकड़े का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सर एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही हम लेमिनेशन कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ठीक है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है डायग्राम में दिखाया गया है, तो तुम डायग्राम में साफ साफ देख सकते हो कि इसमें एक कोर है हमारा और इसके चारों तरफ क्या भरा गया है, तेल भरा गया है। ठीक है, क्या भरा गया है, तेल भरा गया है। तो कौन सी हो जाएगा ठंडे प्रक्रिया देखते हैं। ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स है तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऑयल फोर्स एयर फोर्स है, नहीं दिख रहा ऐसा। तो हमारी क्या है, बस इसमें थोड़ा तेल भर दिया गया आराम से और सारे काम ही चल रहे हैं इसमें। तो बोल सकते हैं कि सर ये हमारा तेल प्राकृतिक ठंडा रूप है। ठीक है, एयर नेचुरल कूलिंग नहीं, ऑयल नेचुरल कूलिंग है। तेल रख दो, अपने आप क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे कि तुम बड़े बड़े स्टेबलाइजर में देखते हो गए कि समरसेबल वाले में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑयल नेचुरल कूलिंग का प्रयोग होता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो देखो, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने का केवल एक ही शर्त है, या तो वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए पहला, या कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशनें हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल लॉस को ही कॉपर लॉस बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस को आयरन लॉस बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए तो उस समय हमारी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। और दक्षता भी कभी कभार पूछेगा तो कितनी होती है, 98 से लेके 99% तक। किसकी? पावर ट्रांसफार्मर वाली। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तो लगभग 85% होती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ अ बुकुल रिले इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में बुकुल रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है? पहला, नमी की उपस्थिति सक्रिय करना, एकदम नहीं। दूसरा, एक्टिवेट ओपन सर्किट कंडीशन, एक्टिवेट ओवरलोड कंडीशन, एक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर कंडीशन। ये सही है। देखो होता क्या है, उस पर फ्लोट लगा होता है। जैसे कभी कभी तुम अगर वेस्टर्न टॉयलेट देखोगे तो फ्लश की सुविधा होती है, उस फ्लश वाली जिसमें पानी रखा होता है उसमें एक बॉल रखी होती है, उसको भी इनडायरेक्टली फ्लोट स्विच ही बोलते हैं। तो वो करता क्या है कि पानी भरेगा तो पानी ऊपर आता रहता है, आता रहता है, आता रहे बॉल, फिर एक निश्चित समय के बाद पानी भरना उसमें रुक जाता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, लीक करने लगेगा पानी। ठीक है, उसी तरह इसमें होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, देखो एक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर कंडीशन मतलब जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो तेल का फैलाव होता है। ठीक है, तो तेल का जब फैलाव होता है तो क्या होता है, वो स्विच फ्लोट स्विच जो है ऊपर आने लगता है। ऊपर आता है तो कुछ हद के बाद वो क्या होता है, जो फ्लोट स्विच होता है वो सर्किट ब्रेकर को या बुकुल रिले को क्या करता है, इंडिकेशन देता है कि यार देखो ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, हो सकता है कि लीक भी करे, तेल बाहर निकले। ठीक है, तो फिर बुकुल रिले क्या करता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है, जिससे फिर ट्रांसफार्मर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड हाई टेम्परेचर कंडीशन होगा। सही है, तो उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करने के लिए ही हम फ्लोट बुकुल रिले में फ्लोट स्विच का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why the core of current transformer is having low reactance and low core loss? अच्छा, वर्तमान ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यानी धारा ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, धारा ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानियाँ वाला क्यों होता है, देखते हैं। To minimize the burden, यानी बोझ को कम करने के लिए, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, या फिर पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो इसका मेन कारण इसका यही है कि हाई रिएक्टेंस का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो हाई स्टैटिक शील्ड का प्रयोग करता है। ठीक है, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो जो प्रयोग करते हैं उसका क्या बोलते हैं, उसको लिखा हुआ था ऊपर, लो रिएक्टेंस वाला, कि इससे क्या हो जाता है, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस, यानी विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है पटलित कोर का उपयोग करके। सर इससे तो हम एडी करंट कम कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग को त्रुटि दूर नहीं हो सकती। अगला, लंबा चुंबकीय पथ प्रयोग करके, उच्च प्रवाह प्रयोग करके, ठीक है, मटेरियल का यूज़ करके, या प्रोवाइड गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, तो हम जो रीडिंग है सही ले सकते हैं। कैसे, जो अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री होती है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग को अच्छा ले सकते हैं, ठीक है, एरर को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला देखते हैं, वाई द लोड इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले ही लोड क्यों काट दिया जाता है। अच्छा, क्यों काट देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब तुम क्या कर रहे हो, उसको टैपिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले तुम लोड को क्यों बंद कर देते हो। तो इसका मेन कारण यही है, क्योंकि सर जब ध्यान समझना, क्योंकि सर अगर हम लोड के रहते ही अगर टैपिंग को चेंज करेंगे तो इससे क्या होता है, हैवी स्पार्किंग होता है कॉन्टैक्ट पे, जिससे वो क्या हो सकता है, पिघल सकता है। कभी कभार रील देखे होगे तो देखे होगे, बहुत सारे सब स्टेशन पे जब ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग होती है या फिर कनेक्शन को चेंज करते हैं तो उसमें से स्पार्किंग दिखती है, ठीक है, तो वो जो स्पार्किंग दिखती है उसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज करने से पहले लोड को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट जब मूव होता है तभी स्पार्किंग होती है। जैसे सर्किट ब्रेकर देखो, उतने देर तक नहीं होती, मगर जैसे ही तुम ऑफ ऑन करने जाते हो, या स्विच को कभी वैसे उतने देर में नहीं होता, जब तुम ऑन ऑफ करने जाते हो तभी स्पार्किंग होती है। तो बोल सकते हैं कि सर स्पार्किंग को कम करने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑफ करते हैं तब चेंज करते हैं। अगला, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है, ठीक है, ये जो भाग है इसका क्या नाम है तुम ही बताओगे, ब्रेदर है, टैप चेंजर है, एक्सप्लोजन वेंट है, या बुकोलेले है। देखो यही फ्लोट है, जो फ्लोट बोल रहे थे कि बताता है कि यार पानी तेल ऊपर निकल सकता है सुधर जाओ, तो इसको बुकोलेले, ये फ्लोट स्विच वही है। तो ये पूरी किसके अंदर पाई जाती है, तो सर ये पूरी पाई जाती है हमारी बुकोल रिले के अंदर। तो हमारी क्या है सर, ये हमारी बुकोल रिले है, ठीक है, क्या है, बुकोल रिले है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली कहानी यह है, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर, यानी दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, एक तो सर केवी रेटिंग सेम में होनी चाहिए तो बेटर है, ठीक है, पर यूनिट इम्पिडेंस सेम है तो बेटर है, ठीक है, ये सब चीज़ें सेम है तो बेटर है, मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पता है, फेज अनुक्रम। फेज अनुक्रम का मतलब समझते हो कि इसका आर इसके आर से, इसका वाई इसके वाई से, इसका बी इसके बी से, और स्टार है तो न्यूट्रल न्यूट्रल से। मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज सिक्वेंस का कहाँ महत्व बढ़ जाता है, जब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है तो उस समय इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फेज और न्यूट्रल ही होते हैं। फेज न्यूट्रल को उल्टा सीधा जोड़ दोगे तो ट्रांसफार्मर डेड भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फेज सीक्वेंस। इसने एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तुम पैरेलल ऑपरेशन किए हो, नॉलेज दो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किए हो, तो अगर इसका केवी रेटिंग सेम है तो जो लोड है आपस में साझा करके तभी काम करेगा ना, किस पे कम किसी पे ज़्यादा, तो किसके हिसाब से होता है, तो सर वो होता है लोड साझा पर यूनिट इम्पिडेंस के हिसाब से। जब इसकी वैल्यू सेम होती है तो फिर केवी रेटिंग के हिसाब से होने लगती है, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लोड से कोई मतलब नहीं है, कूलिंग से कोई मतलब नहीं है, और किस क्लास का इंसुलेशन उससे कोई मतलब नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा फेज अनुक्रम, ठीक है। फेज अनुक्रम नहीं होता तो केवी आर पर यूनिट में से भी कोई मार सकते थे अगर होता तो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया, और समझ में आया बाबू तो सेशन को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।